तो कुछ केजरीवाल को सुप्रीम राहत पर लगातार टीवी 9 भारत वर्ष की कवरेज जारी है और देखिए केजरीवाल की बेल पर बीजेपी का पहला रिएक्शन आया है। 1 जून के बाद केजरीवाल को जेल जाना होगा, ये बता रहा है गया है बीजेपी की तरफ से। सिर्फ चुनाव के लिए बेल मिली है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का भी बयान, केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए ये कहा गया है उनकी तरफ से। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। और सीधे रुख करते हैं तिहाड़ जेल का, करुणा शंकर शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। करुणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी के लिए, 25 मई को हरियाणा और दिल्ली में मतदान होना है, 1 जून को पंजाब में मतदान होना है और 1 जून तक ही राहत दी गई है अरविंद केजरीवाल को, तिहाड़ जेल से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए समीर, अगर तिहाड़ जेल से अपडेट की बात बताऊं मैं, तो यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आते हैं। हालांकि जैसा आपने देखा, चाहे अरविंद केजरीवाल की वकील है सदान फरासत या फिर ऋषिकेश कुमार, उनकी तरफ से जो इंडिकेशन सामने आ रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि आज ही हम कोशिश करेंगे कि ये जो जेल है यानी तिहाड़ जेल, उससे बाहर आए। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा समीर, कि इस वक्त जिस तरह से मैं गेट संख्या 3 के बाहर खड़ा हूँ, पिछली बार जब संजय सिंह बाहर आए थे तो वो इसी गेट संख्या 3 से ही बाहर आए थे। हालांकि यहां पर कुल मिलाकर 3 गेट से अलग अलग गेट नंबर 4 और गेट नंबर THQ भी, संभावना पूरी यही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो इसी गेट से वो बाहर आएंगे। जिस तरह से राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनको भी आपने देखा, उनका जो एक्सपर्ट ट्वीट आया, उनकी तरफ से साफ कहा गया इस एक्सपर्ट पोस्ट पर कि आज शाम को ताले टूटेंगे जेल के और अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। यानी ये पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी के उनकी लीगल टीम की तरफ से, वकीलों की तरफ से बनी हुई है कि आज ही किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर लाया जाए ताकि चुनाव प्रचार, जिसके लिए उन्हें जमानत मिली है, अग्रिम जमानत, उसके लिए वो जल्द से जल्द बाहर निकले और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल पाए। समीर जी, और हमारे साथ पीयूष पांडे भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, लेकिन एक बड़ी बात जो कोर्ट की तरफ से कही गई वो ये कि इस केस से संबंधित बात वो नहीं करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा इस मुद्दे को जरूर लोगों के सामने रखा जाएगा, तो किस तरह का लीगल लूप होल है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उन पर पाबंदियां होंगी, क्योंकि इसी के बारे में तो वो बात करना चाहेंगे कि कैसे उन्हें बड़ी राहत मिली है इस केस में। देखिए बिल्कुल, पीएमएलए केस की जो मेरिट्स थी यानी कि योग्यता थी इस केस की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर ये अरविंद केजरीवाल को ताकीद करेगा कि इस मामले में आपके ऊपर जो चार्जेस, बेसिकली जो आरोप हैं, उनके मामले में आप कोई भी चर्चा नहीं करेंगे और पूरे पीएमएलए केस यानी कि शराब घोटाला मामले पर ही शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है कि आप उस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, आप जो कैंपेनिंग करेंगे। बिल्कुल पीयूष, बने रहे आप हमारे साथ, इस पूरे मामले की लीगैलिटी पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी सुमंत के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नहीं, अभी लाइव लाइव संजीव लाइव जी। बिल्कुल समीर, इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा मौजूद हैं। संजीव, क्या कहेंगे, पार्टी दफ्तर में किस तरह का माहौल है, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ रहे, आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले को और कितना काडर में जोश दिख रहा है आपको? देखिए, देश के एक एक कार्यकर्ता और देश के हर वो लोग जो मोदी जी की तानाशाही को अंत करना चाहता है, सांस रोक कर इस फैसले का इंतजार कर रहा है। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, ये उत्साह दर्शा रहा है कि अब मोदी जी के तानाशाही का अंत अरविंद केजरीवाल के माध्यम से होगा। क्या मानते हैं आप, आपको क्या लगता है, 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, उसी दिन हरियाणा में भी वोटिंग है, दिल्ली हरियाणा जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली हरियाणा और पंजाब, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट आप देखते हैं, कितना राजनीतिक आपको क्या असर? देखिए,
दिल्ली हरियाणा पंजाब तो छोड़ दीजिए, 13 तारीख को अभी नेक्स्ट चौथे चरण का चुनाव है, 13 तारीख और 13 तारीख जितने चरण के चुनाव हैं, अब देश की जनता अरविंद केजरीवाल के आह्वान के साथ खड़ी होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि अब नरेंद्र मोदी की तानाशाही का अंत अब देश की जनता हर चरण के वोट के जरिए करेगी। 2014 और 2019 में दिल्ली की बात करें संजीव, तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। 24 में आप लोग 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है, किस तरह से आप मुकाबला देखते हैं, क्या लगता है? लोग खड़े हैं, देखिए जब लोग अपने हाथ में कमान ले लेता है तो फिर ये सारे प्लानिंग धरे का धरा रह जाता है। तो अब अरविंद केजरीवाल और जनता, अरविंद केजरीवाल के आह्वान जनता खड़ी होगी और 7 के 7 सीट पर भारी मार्जिन से इंडिया अलायंस जीत कर आएगी, ना केवल दिल्ली पूरे देश में। अब अरविंद केजरीवाल की दहाड़ एक एक घर तक पहुंचेगी और लोग मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ वोट करेंगे। जो बीजेपी नेता है सिरसा, उनका एक बयान आया है कि देखिए उनको सिर्फ जमानत मिली है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें भी देखिए समीर, लड्डू खिलाया जा रहा है, आप देखिए संजीव को लाइव हमारे साथ है, आप देखिए कि कार्यकर्ता जो है वो लड्डू खिला रहे हैं और इसी तरीके से पूरे आम आदमी पार्टी। जी हाँ, तो मिठाई खिलाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। सुमन, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है चुनाव के जो अभियान है उसके दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जो सहयोगी है इंडिया गठबंधन के, वो भी बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि चुनाव में हमें बड़ी मदद मिलेगी, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, जो सहयोगी है इंडिया गठबंधन के उन्हें भी लगता है कि बड़ी मदद मिलेगी।